हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक भिंडी की बहुत ही यूनिक सब्जी बनाई है जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि बच्चों को भिंडी बहुत पसंद होती है। अगर हम नए नए तरीके से बच्चों को भिंडी बनाए खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये भिंडी मैंने एक नई मसाले के साथ बनाई है जो कि आपको मेरी रेसिपी में बाद में पता चलेगा। तो चलिए अब हम भिंडी को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पंचफोरन भिंडी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिए और मैंने जो तेल डाला है वो कढ़ाई में ये 2 टेबलस्पून है। इसके अंदर मैं भिंडी को पहले सॉटे करूँगी। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे करके आप जब भिंडी बनाएंगे तो एक तो भिंडी हमारी लिसली सी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें उसका चिकनापन आ जाता है। हमने भिंडी को पहले अच्छी तरह धो लिया था, धो के अच्छी तरह पोंछ लिया था। इसके अंदर ज़रा भी मॉइस्चर या पानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने इसको तलने के लिए डाला है। जो बाकी जो होगा सब कुछ इसके अंदर जो लिसलिसापन होता है, लार जो होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर। इसी तरह ये सॉटे हो रही है। ये देखिए भिंडी हमारी अच्छी तरह हमने इसको सॉटे कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम अपना पंचफोरन मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हम 1 चम्मच हम लेंगे इसके अंदर जीरा, और थोड़े से हम अपने लेंगे इसके अंदर सरसों के दाने, और ये हम 1/2 चम्मच लेंगे इसके अंदर मेथी दाना, 1/2 चम्मच हम लेंगे इसके अंदर कलौंजी, और 1 चम्मच हम लेंगे इसके अंदर सौंफ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं। कई लोग अजवाइन डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मसाले ही डाल के मैं बनाऊंगी। तो ये हमारा भिंडी का पंचफोरन मसाला तैयार है। हमने इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाला है। इसके अंदर हम हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और ये हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा सा बस हमारा लहसुन कलर चेंज करेगा। इसके अंदर अपना ये 1 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब हमारा देखिए टमाटर ने बिल्कुल ऑयल अलग कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अपना पंचफोरन मसाला डालेंगे। ये 1 चम्मच हमने डाला धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च, और ये हमने डाली हल्दी। और अब हम इसको मिलाएंगे। 1 चम्मच पानी डालेंगे, हमारे मसाले जलेंगे नहीं, और इनको मसालों को भूनेंगे अच्छी तरह। नमक डालेंगे हम 1 चम्मच इसके अंदर। वैसे तो भिंडी की मैंने कई डिश दे रखी हैं आपको, लेकिन ये स्पेशल है जो पंचफोरन मसाले के नाम से ये डिश जानी जाती है। बस अब हम इसके अंदर अपनी मसाला हमारा भून चुका है, सारी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया और फर्स्ट क्लास पंचफोरन भिंडी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी एकदम अलग अलग है, और ना ही कोई भिंडी हमारी चिपचिपी है, ना ही कोई इसका भिंडी का लेस निकला है। तो चलिए अब हम अपनी गैस को करते हैं बंद और हम भिंडी की प्लेटिंग करते हैं। ये लीजिए हमारी पंचफोरन मसाला भिंडी तैयार है। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और बनके तो ये सिर्फ 10 मिनट उसको लगते हैं। आपका बस पंचफोरन मसाला तैयार होना चाहिए और आपकी भिंडी बन जाती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।